أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कैसे हैं मेरे बहन भाई, मेरे गाइजर व्यूज़र, मेरे यूट्यूबर फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे कमेंटर्स, मेरी बहनें, मेरे भाई, माशाल्लाह से सबको मेरा एक बार फिर अस्सलाम हो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने आपसे बात कर रही हूँ कि काफ़ी बीच में से बस तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ मौसम का मसला, कुछ नेटवर्क का मसला। अभी भी मैं जो है ना अपलोड जो करती हूँ वो अपनी हवेली में जा कर करती हूँ, इधर सही तरीके से नेट नहीं आ रहा। मैंने बार बार पैकेज लगवाए हैं लेकिन नेट नहीं आ रहा। तो मेरे बहन भाई कैसे हैं आप लोग, सब ठीक ठाक हैं? तो आपसे बात भी नहीं हो सकी, तो कोई एक आधा जो ब्लॉग डाल रही थी वो मेरा बड़ी मुश्किल से मैं डाल रही थी, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने बैठ के बात कर रही हूँ। तो कैसे हैं, मौसम चेंज हो गया है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, माशाल्लाह से। लेकिन अल्लाह ताला की नमाज़ें और कुरान उसी तरह है, और हमें अपनी नमाज का, अपनी कुरान पाक की तलावत का उसी तरीके से हमारा वो मौसम भी चेंज हो जाते हैं, टाइम भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत और नमाज चेंज नहीं होती। तो मेरी बहनें कैसी हैं, माशाल्लाह से बरकरार होगी सबकी नमाजें और कुरान पाक की तलावत भी माशाल्लाह से। माशाल्लाह मेरा दिन का आगाज़ तो काफ़ी पहले से हो चुका है, माशाल्लाह से उसी तरीके से, उसी तरीक़ेकार से, उसी इबादत से, उसी नमाज से, माशाल्लाह से, अल्लाह ताला के कुरान नमाज के साथ। लेकिन मेरी बहनों, मैं काफ़ी देर बाद आपके सामने बैठी हूँ क्योंकि मैं उठी हूँ और टाइम टेबल देखा है, और फिर मैं अपना ब्लॉग बनाने बैठ गई हूँ अभी उधर हवेली में। कल मैंने नेटवर्क चेक किया है, वो सही आ रहा था, इसलिए मैं अभी ब्लॉग बनाऊँगी और उधर जाके अपलोड करूँगी। तो मेरी बहनें कैसी हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं मेरे बहन भाई? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आपको, आप पे हमेशा अल्लाह ताला मेहरबान रहे, और मेरे बहन भाइयों के घरों में हमेशा रहमत बरसती रहे, हम अल्लाह ताला हमेशा हम सब का हामी और नासर रहे। और मेरी बहनों, नमाज की पाबंदी माशाल्लाह से कर भी रही हैं और किया भी करो। जो कुछ बहनें हैं वो बीच में कहती हैं कि हम एक दो नमाज़ें पढ़ती हैं बाजी बाकायदगी के साथ, लेकिन कुछ कर पढ़ती हैं, कुछ नहीं पढ़ती हैं। मेरी बहनों, जो नहीं भी पढ़ रही हैं वो भी शुरू कर लें अल्लाह की इबादत और कुरान के साथ, तो कुछ भी हमें हासिल नहीं हो सकता, तो ना हुआ है, क्योंकि अल्लाह की याद में ही सब कुछ है। अल्लाह ही के अल्लाह ही तलावत में, कुरान पाक की तलावत में और नमाज के साथ ही हमारा सारा जो है हमारी ज़िंदगी है, और दुनिया और आखरत हमारा सारा कुछ अल्लाह ताला के नाम के साथ है, अल्लाह ही से वो है कि अल्लाह की याद में ही है। तो मेरी बहनों, नमाज की पाबंदी किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, आगे बताया करें अपनी दोस्तों को, वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें, और फिर उसके बाद मुझे वॉच टाइम दिया करें आप लोग, देखा करो, और आगे अल्लाह के काम में जो है वो हिस्सा डालना सदका जारिया होता है। और अपना यह है कि कमेंट किया करें अच्छे अच्छे, आप लोगों के कमेंट भी अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरे ब्लॉग रुक गए हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ ही रुक गए हैं। ये नेटवर्क का मसला था जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सकी, तो कुछ मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी, तो अभी मैं बिस्तर से निकल के आई हूँ, लेकिन अल्लाह की इबादत करके, बल्कि अल्लाह की दुरूद पाक ही पढ़ रही थी बिस्तर में भी, ऐसे नहीं लेटी हुई थी। ये मैंने आपको एक हदीस बताई थी कि अल्लाह ताला को बड़े पसंद हैं वो लोग, मेरे सारे बहन भाई अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं, हम सब अल्लाह को बहुत पसंद हैं, लेकिन अल्लाह ताला बिस्तर में बैठ के भी अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार करना चाहिए। ये लाजमी नहीं है कि बिस्तर में हम सोए होते हैं, लेकिन सोए नहीं होते, हम जिक्र में होते हैं अल्लाह ताला के। कुछ मेरे बहन भाई सारे यानी कि जो बिस्तर में भी लेटे होते हैं वो भी सोए होते हैं, तो ये तो मैंने खुद भी प्रैक्टिकली कर लिया है कि बिस्तर में लेट के ये नहीं होता कि बंदा सोया होता है, सोया नहीं होता, वो भी जाग रहा होता है, अल्लाह ताला के हमद सना में होता है। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला की हमद सना की तफ़ीक ता फरमाए, अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तफ़ीक ता फरमाए। और माह रमज़ान माशाल्लाह से आ रहा है, माशाल्लाह से सबको मेरी तरफ से शुबान मुबारक हो, और माशाल्लाह से माशाल्लाह इसी में शुबान में हमारे प्यारे आका दो जहाँ शब मराज हमारा गुजर चुका है, और अभी हमारे शब रात जो है वो आ गई है, अल्लाह ताला खैर करे इस महीने में आएगी, और सबको मेरी तरफ़ से मुबारक हो, और शब शबान का चांद।
और अल्लाह ताला हम सब पे रमज़ान भी बहुत है, अल्लाह ताला अपने रहमत करम के साथ आ रहा है, अल्लाह ताला हमें सबको देखना नसीब करे, हमारे मुसलमानों को हमारी बहन भाइयों को देखना नसीब करे, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखुरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।